राजस्थान के उदयपुर में पिछले दिनों हुए कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर देश भर में हिंदू संगठन उग्र हो गए हैं। इसी कड़ी में शनिवार को ऊना जिला मुख्यालय के MC पार्क में जुटी करनी सेना महिला शक्ति की जिला इकाई ने कन्हैया लाल हत्याकांड के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज करवाया है। महिला शक्ति की जिला अध्यक्ष मीना ठाकुर और उपाध्यक्ष पूजा गौतम की अगुवाई में जुटी महिलाओं ने राजस्थान सरकार की इस मामले को लेकर कड़ी आलोचना की और हत्या आरोपियों को सार्वजनिक स्थल पर फांसी की सजा देने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म सहिष्णुता और दया से परिपूर्ण है, लेकिन इसका ये अर्थ कतई नहीं है कि कोई भी आकर हिंदुओं पर इस तरह से आघात करना शुरू कर दे। करनी सेना महिला शक्ति ने इस संबंध में SDM के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजकर कन्हैया लाल के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग उठाई है। कन्हैया लाल जी, क्या मांग है, किस लिए आज यहाँ पर आप पहुँचे? सर, आज जो हमारे हिंदू भाई कन्हैया लाल जी की जो हत्या करी गई है, उसके उस मकसद को लेकर हम यहाँ पे आए हैं कि उन दोषियों को जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। करनी सेना यहाँ पर जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मामले को लेकर उग्र है। क्या अगला प्रोग्राम है, क्या अगला आपका जो है वो इसको लेकर प्लान है, क्या योजना है? अगर सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो करनी सेना सड़कों पे उतर कर और उग्र प्रदर्शन करेगी। उनके लिए कन्हैया लाल के लिए यही उनकी उसके लिए यही मांग है कि उनको फांसी ही होनी चाहिए और इस सब का यही। और सर, जो कन्हैया लाल की मौत के बारे में हो जा रही हत्या के बारे में कर रहे हैं, उसका ये है कि जो हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए। और साथ में हम ये चाहते हैं कि जो हिंदू धर्म है हमारा, वो ऐसे ही मतलब एक दूसरे के साथ पे साथ दे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे हिंदू भाइयों में कोई ऐसी बात हो जो हम भाई भाई मिलकर इन हत्यारों को फांसी देने के लिए अपनी एकजुट होकर इस आवाज़ उठाएँ। और साथ में हम चाहते हैं कि उसको जल्द से जल्द फांसी मिलनी चाहिए। अभी उसने मीडिया पर भी उसने डाला, अपनी वीडियो डाली कैसे उसने हत्या की उसकी, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारी सरकार जल्दी से जल्दी उसका मतलब उसको फांसी दे हत्यारों को। तो बस हमारी यही मांग है, तो हम करनी सेना यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसको फांसी दी जाए।